विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। मझियाओं से सूरज प्रकाश की रिपोर्ट। विशेषकर साप्ताहिक मुख्य बाजार में छोटी बड़ी वाहनों की जाम से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लॉक रोड पर मुख्य बाजार पथ पर छोटी बड़ी वाहनों की लंबी कतार देखी खड़ी गई। जाम से निपटने के लिए अभी तक प्रखंड के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है, जिससे बराबर जाम की स्थिति बनी रहती है। और तो और प्रखंड के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कई मर्तबा फुटबाद अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर अखबार की सुर्खियों में चेतावनी दी गई, लेकिन अधिकारियों के निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा सका। सच कहे तो फुटपाथ की अतिक्रमणकारी प्रशासन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सड़क से सटे दोनों किनारे फुटपाथ विभिन्न सामग्रियों का दुकान लगा रहता है, जिससे बराबर जाम की स्थिति बनी रहती है। गौरतलब है कि स्थानीय व्यवसाय साप्ताहिक बाजार के दिन ही जिले से क्रय कर वाहनों से सामग्री लाने का काम करते हैं, जो सड़क के बगल में खड़ा करके सामग्रियों को उतारा जाता है, जिससे विशेषकर जाम लग जाना आम बात हो गई है। कई मर्तबा तो इन इमरजेंसी एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रह जाती है। इधर थाना प्रभारी कमलेश कुमार के निर्देश के आलोक में जाम से निपटने के लिए अतिरिक्त एम्बुलेंस पुलिस बल को भेजा जाता है, जिसके बावजूद भी जहां तहां जाम लगा ही रहता है। बुधवार को पुलिस पदाधिकारी कंचन रजक के नेतृत्व में पुलिस बल भेजा गया, तब जाकर लोगों को राहत मिली। इधर प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि जब तक सड़क के दोनों किनारों से फुटपाथ अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो जाम की स्थिति यथावत रहेगी। इधर जेकेएम के प्रखंड के अध्यक्ष डॉक्टर एसएन त्रिपाठी ने अंचलाधिकारी से मांग किया है कि विशेषकर साप्ताहिक हाट के दिन बड़ी वाहनों पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से रोक लगाई जाए, ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके।